choke you down just like a pill. Hey guys and welcome back to Maestro. पिछला एपिसोड देखे हुए बहुत दिन हो गए होंगे, तो आपको थोड़ा सा रिकैप करवा देते हैं। हल्क एक तबाह हो चुके फ्यूचर में सस्पेंडेड एनिमेशन से जागता है। काफी सारी इंसानियत मर चुकी है और जो कुछ सुपर बींग्स बचे हैं उन्हें हमने लोक कर रखा है। कंटिनेंट के इकलौते काम कर रहे शहर डिस्टोपिया के ऊपर माएस्ट्रो राज करता है, लेकिन कुछ और भी सर्वाइवर्स थे जो जिंदा बचे हुए थे। जल्द ही हल्क ये जान गया कि उसका पुराना दोस्त रिक जोन्स अब भी जिंदा है। वो व्हीलचेयर में रहता है और उसकी एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी है। रिक ने हल्क से कहा कि हरकुलिस का राज लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है, लेकिन हल्क को इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो इंसानियत को बचाना नहीं चाहता, वो इनके ऊपर राज करना चाहता है। और एक पुराने अल्केमैक्स लैब की टेक्नोलॉजी से हल्क के पास वो हथियार आ चुके हैं। वो डॉग्स ऑफ वार को डिस्टोपिया ले आया और इस शहर के लोगों को अपनी पर्सनल आर्मी में ज्वाइन होने के लिए बोला। जब इंसानों ने मना किया तो डॉग्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं। अब हल्क के रास्ते में सिर्फ एक ही बींग है जो उसे रोकने की ताकत रखता है। हल्क चिल्ला रहा है, मैंने तुम लोगों को वार्निंग दी थी, तुम सभी लोगों को एक मौका दिया था, लेकिन तुमने मुझे इग्नोर किया। मुझे अनदेखा करके भाग रहे हो, ठीक है भागो, लेकिन डर के साथ भागो। कैश डॉग्स ऑफ वार इंसानों के ऊपर हमला करने लगते हैं। उनके ऊपर हरकुलिस ने अपनी सवारी से हमला किया और एक दूसरे डॉग का मुंह फाड़कर इंसान को बाहर निकाला। फिर तो उसने कुत्ते के जबड़े को जैसे पकड़ ही लिया था। ऑपरेटर बोलता है, हे पागल मुंह छोड़। हरकुलिस ने कहा, तुम ज्यूस के बेटे से इस तरीके से बात कर रहे हो? ये तुम्हारी गलती थी मेरे दोस्त, और लो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कितनी बड़ी गलती थी। उसने कुत्ते का मुंह फाड़ डाला। ऑपरेटर अपनी जान बचाकर भागता है। हरकुलिस ने कहा, बताओ मुझे बैनर, क्या तुम्हारे अंदर सिर्फ इतनी ही ताकत है? आपसे बेटर उम्मीद किए थे। ये पता चलकर मुझे कितना दुख हो रहा है कि मैंने तुम्हें ओवर एस्टिमेट कर लिया था। आओ बैनर, मुझे इम्प्रेस करो, अपनी पूरी ताकत दिखाओ। बैनर उछला, तुम ताकत देखना चाहते हो? ये देखो। वो हरकुलिस को जोरदार पंच करता है, लेकिन उसके पंच को बीच में ही रोक लिया जाता है। हरकुलिस ने कहा, क्या ये तुमने मुझे इम्प्रेस करने के लिए किया था? वेल, मैं इम्प्रेस नहीं हुआ, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं तुमसे कितना निराश हुआ हूँ। गैस वो हल्क को इधर पटकता है, उधर पटकता है, फिर इधर पटकता है, फिर उधर पटकता है। वो अभी सिर्फ हल्क के पैर का अंगूठा पकड़कर आखिर में उसने हल्क को दूर फेंक दिया। प्योनी बैनर। लेकिन फिर हल्क एकदम से उछला, मैं तुम्हें मार दूंगा। वो हल्क के पंच को फिर से रोक लेता है। हरकुलिस ने कहा, क्या तुम जानते हो कि कितने लोग मुझे धमकी दे चुके हैं? कितने टाइटंस, मॉन्स्टर्स, डीमंस, इन हजार सालों में मेरा कितनों के साथ सामना हुआ है पता भी है? फिर भी मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। वो हल्क के हाथों को मरोड़ने लगा। उनकी धमकी मेरे कानों में सिर्फ एक गूंज की तरह है। अब भी मैं जिंदा हूँ। उनका शरीर काफी सालों पहले राख बन चुका है, लेकिन मैं यही हूँ। और अगले 500 सालों में जब तुम्हारी बॉडी खत्म हो जाएगी, मेरे दिमाग से तुम्हारी अदास्त मिट जाएगी, तब भी मैं यही रहूंगा। उसने हल्क को उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। फिर वो हल्क के चेहरे पे एक जोरदार किक करता है। पहले के टाइम में जब तुम्हारे अंदर इतना दिमाग नहीं हुआ करता, तब हमारी लड़ाई इस तरीके से नहीं रुकती, बल्कि इन सब चीजों से तुम्हें और गुस्सा आता, तुम और ताकतवर बनते, क्योंकि तुम्हें जितना गुस्सा आता है उतनी ही तुम्हारी ताकत बढ़ जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, है ना? अब बैनर का दिमाग कंट्रोल में है। बैनर समझ सकता है कि वो कितना बेबस हो चुका है। बैनर जानता है कि वो ये लड़ाई नहीं जीत सकता। बैनर जानता है कि वो वापस नहीं लड़ सकता, माइस्टर के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं। गैस वो हल्के सिर पे घूसे मारे जा रहा है। मुझे इसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, मेरा मजा खत्म हो चुका है। हार मान लो इससे पहले कि मैं तुम्हें मार डालूं। हल कहता है, मैं हार मानता हूँ। खुश हो? हरकुलिस ने उसे हाथ देते हुए कहा। असल में कुछ ज्यादा ही खुश हूँ, मैं सच में तुम्हें यहाँ मारने के लिए नहीं आया था। खड़े हो जाओ बैनर, खड़े हो जाओ और मुझसे गले मिलो। हाँ ठीक है, अब थोड़ा सा अजीब लग रहा है, चलो आओ मेरे महल में चले, तुम्हें वहाँ पे खाना और औरतें मिलेंगी। लेकिन हल्क ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हरकुलिस पूछता है, अब क्या हुआ, तुम मुझे अपनी खातिरदारी भी नहीं करने दोगे? हल्क कहता है, मैं अभी इसके काबिल नहीं बना हूँ। मैंने तुम्हारे लोगों की बेइज्जती की, उनके ऊपर हमला किया, तुम्हारे खिलाफ काम किया, मुझे कुछ सुधार करने होंगे। मैं फ्यूचर में फिर कभी आऊंगा जब मैं इन सुधारों को अच्छे से कर पाऊं। हरकुलिस कहता है, यह सुनकर अच्छा लगा। लेकिन हरकुलिस का वजीर और रिक जोन्स की पोती वहीं पे थे। उनको लगता है गई भैंस पानी में। डाकोर्ड रिक जोन्स को जाकर यह बात बताती है। रिक जोन्स ने कहा, तुम सही कह रही हो डाकोर्ड, इसका अंत अच्छा नहीं होने वाला। डाकोर्ड पूछती है, आपको कैसे पता ग्रैंडपा? जोन्स कहता है,
क्या मैंने तुम्हें कभी ब्रूस के डैड के बारे में बताया था? डाकोर ने कहा। हाँ थोड़ा सा बताया था, एक बच्चे के तौर पे वो ब्रूस को मारा पीटा करता, जोंस ने कहा। बिल्कुल, और उसी ने ब्रूस को ऐसा बनाया जैसा वो आज है। ब्रूस बैनर जिस आदमी से मैं मिला था, जिसने मेरी जान बचाई, वो दोहरी पर्सनैलिटी का आदमी था। जो आदमी कुछ टाइम पहले यहाँ पे आया था वो असली ब्रूस था। कहते हैं ना कि बेटा आखिरकार फादर बन ही जाता है, वही वाला ब्रूस यहाँ पे आया था, ना कि असली ब्रूस। असली वाला तो एक निस्वार्थ आदमी था जिसने एक अजनबी की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी, लेकिन ये वाला ब्रूस ये हार नहीं मानेगा, ये कुछ प्लानिंग करेगा और आखिरकार वो जीत जाएगा। हो सकता है कि इसमें कुछ टाइम लग जाए, लेकिन आज नहीं तो कल वो वापस लौटने ही वाला है, और यकीन मानो हरकुलिस की मौत पक्की है। गाइस हल्क वापस हरकुलिस के महल पहुंचता है। मिनिस्टर ने कहा, तो तुम आ गए? हल्क कहता है, हाँ बिल्कुल आ गया, और जैसा कि तुम देख पा रहे हो मैं अपने साथ किसी को लाया हूँ। क्या माइस्ट्रो यहाँ पे है? गाइस ये एक औरत थी। मिनिस्टर कहता है, हाँ बिल्कुल वो यहीं पे है, अंदर आ जाओ। तो अंदर आने पर दरवाजा बंद कर दिया जाता है। अंदर मिनिस्टर ने कहा, माइस्ट्रो डॉक्टर बैनर आपसे मिलने आया है। माइस्ट्रो अंदर आता है। ओ बैनर, तुमसे मिले हुए काफी टाइम हो गया। हक ने कहा, वेल मैं भी कुछ एडवेंचर कर रहा था, एक टाइम पे तो मेरी गर्दन भी टूट गई थी, तो हाँ आने में थोड़ा टाइम लग गया। माइस्टर पूछता है, और तुम्हारे साथ ये औरत कौन आई है? हल कहता है, इसका नाम है एन डार्नेल। फिर एन ने कहा, और ब्रूस ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। वो अपने कपड़े उतारती है, मैं तुम्हारी खातिरदारी करने के लिए बहुत उतावली हूँ माइस्ट्रो। गाइस माइस्ट्रो भी बहुत खुश था। वेल तो तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है? काफी अच्छे कपड़े चुने हैं तुमने। आओ माय डियर, तुम्हें अपना महल दिखा दूं। बैनर यार जो करना है तुम करो, मैं अपना जा रहा हूँ। उन दोनों के जाने के बाद मिनिस्टर हल्क से पूछते हैं, तो बैनर सबसे पहले क्या लेना पसंद करोगे, डाइनिंग हॉल या फिर सोना बाथ? हल्क ने कहा, थ्रोन रूम या वो जो कोई भी कमरा जहाँ से माइस्ट्रो अपना राज चलाता है। मिनिस्टर बोलता है, तो चलो चले। लेकिन हल्क ने कहा, एक्चुअली इससे पहले कि हम जाएं मैं कोई चीज बाहर छोड़ के आया हूँ जो मुझे लानी है, बस कुछ ही टाइम लगेगा। उधर हरकुलिस अपने रूम का दरवाजा बंद कर लेता है। तो एन चलो एक दूसरे को और अच्छे से जान लिया जाए, एन ने कहा। असल में मैं भी यही सोच रही थी। वो अपने कपड़े उतारती है। हरकुलिस कहता है, तुम तो काफी खूबसूरत हो, चलो देखे तुम क्या कर सकती हो। एन ने कहा, लो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, और सच कहूँ तो मेरा नाम सिर्फ एन नहीं है। हरकुलिस पूछता है, तो तुम्हें और किस नाम से जाना जाता है, दर्द की देवी या मैडम मर्सिलेस? एन ने कहा, असल में मेरा दूसरा नाम है वेपर। गाइस एन वेपर में कन्वर्ट होकर हरकुलिस के अंदर घुस जाती है। क्या तुम्हें याद है वो यूफोज? एम की फैसिलिटी ने मुझे काफी टाइम के लिए रोक रखा था, लेकिन अब मैं वापस आ गई, और ये जो गैस है ना ये है आर साइन, जिसके अंदर है आर्सेनिक। गाइस ये एक टाइप का जहर है। हरकुलिस का दम घुटने लगा, वो सांस नहीं ले पा रहा था, वो तड़पने लगता है, उसकी आंखें लाल होने लगी, उनसे खून बहने लगा, और हरकुलिस मर चुका था। वेपर बाहर निकलती है। परफेक्ट, इसे मारना तो कुछ ज्यादा ही आसान था। लेकिन तभी माइस्टर दरवाजा तोड़ता है, वो अपने गन से वेपर के ऊपर हमला करता है, जिससे वेपर की बर्फ बन गई। हल कहता है, वैसे ये चीज मुझे अल्केमैक्स में मिली थी, चलो अब मेरा काम खत्म हुआ, लेकिन अब भी एक चीज बाकी है। उसने पंच मारकर वेपर के टुकड़े कर दिए। बाकी गार्ड्स भी भागते हुए अंदर आए, उन्होंने हरकुलिस को मरा हुआ देखा। हल्क उन गार्ड से बोला, इन सारे टुकड़ों को ले जाओ और अलग अलग जगह दफनाना, ये टुकड़े पूरे साम्राज्य में फैलने चाहिए, कोई भी टुकड़ा किसी भी तरीके से एक दूसरे से जुड़ना नहीं चाहिए। माफ करना हरकुलिस, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, हल्क को कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं। अब तुम लोग क्या देख रहे हो, बाहर फेंको इसे यहाँ से। तो गाइज उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एम करते हैं 1350 लाइक्स के लिए,